के अधिकारी को आप ले लें, जब किसी भी पार्टी की बात होती है तो पार्टी का नाम वहां पर होता है, पार्टी का लोगो वहां पर होता है, तो क्यों होता है ये बताइए। आप खुद कह रहे हैं कि जब बात सही है तो हम क्यों अपने नहीं, ऐसा है? देखो अभी उस समय इलेक्शन के समय तो सुनो गुरुजी, उस समय हम सभी लोग पार्टियों का अपना प्रचार प्रसार करने का वो होता है, सभी के बिल्कुल आप ही करिए ना, सभी का प्रचार प्रसार थोड़ा ना कर रहे हैं, बात प्रचार प्रसार है ना, मतलब ये कर सकते हैं आपने बात कही तो हम एक चीज कर सकते हैं, उसमें हम टाइगर ग्रुप के नीचे हेल्प डेस्क जरूर जोड़ सकते हैं, वो कर दीजिए ऐसे ना, क्योंकि देखो एक अध्यक्ष होता है ना, अध्यक्ष होता है पूरे, आपके पास कौन संगठन है कि हमारे हटना चाहिए, का फोन आ रहा है ना संजू, फोन पर कोई बात नहीं होती गुरुजी, मैंने उनको यही कहा कि आप लिख के दीजिए, लिखित आप लीजिए, और हम लिखित के साथ साथ हम आपको एक चीज और कह रहे हैं, मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ, दूसरी बात ये लोग हमसे कह रहे हैं कि मेरा प्रवेश नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, प्रवेश वो मैं तो कुछ नहीं, ये लोग कहीं और गए हैं, अगर मेरा प्रवेश नहीं तो इसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी परिसर प्रशासन की, उसकी गलतियों की है, दो महीने से मैं अपना एंट्रेंस दे चुका हूँ, दो महीने से प्रवेश की तो मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा ना, उसकी बात अगर वो ऐसा कहेंगे, वो ऐसा कहेंगे कि प्रवेश नहीं, उसको भी मैं क्लियरिफाई कर दे रहा हूं, मेरे पास कोई सूचना आएगी ना जी तो मैं थोड़ा संज्ञान लूंगा ना, मैं सारी चीजें, लेकिन हेल्प डेस्क नहीं हटेगा सर, उसमें हम जरूर हेल्प डेस्क जोड़ सकते हैं, इनचड़ बच रही है क्योंकि हम छात्र समुदाय की लगातार मदद कर रहे हैं, छात्र समुदाय हमसे लगातार संपर्क कर रहा है और इन लोगों को आज भी पूछने वाला नहीं बचा, हेल्प डेस्क का नहीं, मतलब मेरा कहना यह है कि अध्यक्ष होता है वो सारे उसको रिप्रेजेंट, प्रधानमंत्री भी पूरे देश के होते हैं, मुख्यमंत्री भी पूरे देश के होते हैं, मतलब प्रदेश के होते हैं, वो अपने पार्टी का नाम क्यों लेते हैं, आप उसमें ये करा दीजिए, आप मैं कर रहा हूँ कि हम उसका स्पष्टीकरण देंगे, पत्र जारी कीजिए, हम उसका स्पष्टीकरण देंगे, कोई इतना कोई नेता थोड़ी बन गया, कोई क्यों बनेगा, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो आप कह रहे हैं कि फोन पे कह रहे, फोन पर कोई चीज नहीं चलती, नहीं मैंने उनसे कहा कि मैं लिखित दो, बिल्कुल आप लिखित दो, फोन पे कोई चीज नहीं चलती है, लिखित पत्र आप जारी कीजिए, हमसे स्पष्टीकरण मांगिए, हम उसका स्पष्टीकरण देंगे, कोई भी चीज गलत नहीं है, हम लोग हेल्प कर रहे हैं छात्र, इन लोग ये लोग भी लगाए अपने हेल्प डेस्क, जी मैम हेल्प डेस्क लगा दे रहा हूँ क्या, नहीं मैम नहीं, जी बताइए, अच्छा अच्छा मैं देखता हूँ कितने चाहिए फिर इंजिनेटर, आज ही है पेपर वो 80 है, मैं करता हूँ व्यवस्था, क्योंकि चार टीचर की ना नहीं 12:30 बजे का, हाँ 1 बजे मैं अभी बात करता हूँ ना, फिर मैं क्योंकि अभी थोड़ा सोचती हूँ ना, मैं बात करता हूँ किसी से ना, चार मतलब दो तो मैंने भेजे, दो और लोग भेजने ना, यही कह रहे हैं ना, हाँ मैं व्यवस्था करता हूँ, मैं व्यवस्था, ये लोग अगर छात्रे चाहते हैं गुरुजी, आप हमारा हेल्प डेस्क का रजिस्टर चेक कीजिए, एक एक इन्फॉर्मेशन सही है, 100 से 150 लोग वहां पर संपर्क हमसे कर चुके हैं अभी तक, केवल एक हफ्ता हो रहा है, इन लोगों को चिड़ मच रही है, उनकी आंखों में इसलिए चुभ रहा है क्योंकि हमसे संपर्क कर रहा है, छात्र संघ जो होता है वो बच्चों की हेल्प के लिए होता है, वो मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ ना, लेकिन अब ये है कि जब मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आई है, जब तक आपत्ति कोई नहीं आई है, मैंने भी कुछ कहा कि माहौल हमारा जो है पढ़ाई के हिसाब से चल रहा है, इस समय बहुत अच्छी है, सब क्लास जगह क्लासेस हो रही हैं, सब जगह सारी चीजें हो रही हैं, है ना, सब पॉजिटिव पे जा रहा है ना, हम तो कर रहे हैं, अध्यक्ष पहली बार एग्जाम भी चल रहा है, क्लासेस भी चल रही हैं, सारी गतिविधियां हो रही हैं, तो वही है कि आप मतलब इसको दूसरे लोगों ने ये जो है ऑब्जेक्शन उठाया है कि भाई अध्यक्ष तो सभी का है, अध्यक्ष बिल्कुल सभी का है, लेकिन अध्यक्ष एक संगठन से भी तो चुनाव लड़ा है गुरुजी, टाइगर ग्रुप से वो चुनाव लड़ा है, टाइगर ग्रुप को विद्यार्थियों ने सपोर्ट किया है, टाइगर ग्रुप को कॉलेज वालों ने जिताया, इनको करारी हार हराई है, ये भी तो देखिए ना गुरुजी, संगठन भी तो कोई चीज है, जब कहीं लिखा जाएगा कि अध्यक्ष किस संगठन का, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये तो लिखा जाएगा टाइगर ग्रुप, ये थोड़ी लिखा जाएगा छात्र समुदाय, बिल्कुल छात्र समुदाय का, छात्र समुदाय के आशीर्वाद से ही बना है, लेकिन गुरुजी टाइगर ग्रुप का अध्यक्ष तो है ही, संगठन अध्यक्ष होने से पहले छात्र समुदाय के अध्यक्ष होने से पहले का संगठन का वैसे अध्यक्ष भी है, उसके बाद छात्र समुदाय ने चुना, छात्र समुदाय ने आशीर्वाद दिया, हम पूरा स्वीकार करते हैं उसे, वो आप उसमें अपना हम उसमें हेल्प डेस्क जोड़ देंगे, हेल्प डेस्क जोड़िए और जो छात्र संघ अध्यक्ष है उसका, बिल्कुल हम आप जैसे आपने कहा कि सहयोग कीजिए, बिल्कुल हम मतलब जोड़ सकते हैं, ऐसा है ना कि कोई भी परिसर में जो जितनी गतिविधियां चल रही है वो चलती रहे, बिल्कुल सब कुछ चलेगा और प्रॉपर चलती रहे, हम हेल्प डेस्क के लिए ऐसा लिखवा देंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा होता ना, बिल्कुल वही चीज कह रहा हूं ना, हमारे विश्वविद्यालय की जो नेगेटिव छवि है ना, ऐसा थोड़ी है कि सारी चीजें निगेटिव ही निगेटिव पे जा रही, कुछ पॉजिटिव भी है, तो हम चाहते हैं, मैं उसकी बात नहीं, मैं एक आपको एक जर्नल उसमें बता रहा हूँ कि अब हमारा कुछ पॉजिटिव भी जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सभी गलत है, भाई पढ़ के हमारे बच्चे कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं ना, सारी चीजें हैं, ऐसा भी नहीं तो हमेशा रेगुलर अच्छी चीजें ही देखते हैं, कमी है ना, तो आप उसको भी थोड़ा सा कमी है, मैं ये चाहता हूँ कि भाई देखो सब है, आप लोग सब एक साथ वाले हैं, सभी लोग पत्र देंगे, पत्र का स्पष्टीकरण देंगे, एक ही दिन में तो गुरुजी सारी चीजें होनी जाती है, एक ही दिन में कॉलेज भी काम नहीं करता, हमने इतने दिन पहले डस्टबिन का वो दिया है, अनुशासन के डस्टबिन लगा के आप देखिए कॉलेज में डस्टबिन लगेगा, एक भी डस्टबिन कॉलेज में नहीं, मेरे को तो सभी से सपोर्ट की अपेक्षा है कि भाई आप भी सपोर्ट करिए, वो भी सपोर्ट, लेकिन उसका एक तरीका है ना जी,
एक तरीके से तो चल कर आएगा, लीक पर चल के ही तो काम होगा। सीधे फोन पर कह देंगे, मैं भी सीधे फोन पर आपसे कह देता हूँ कि गुरुजी हमारे मुझे ऐसा ऐसा करना है, तो वो चीज हो जाएगी। नहीं वही है कि आप बंदा को पढ़ देंगे, आप लोग उस पत्र का आप हमें संज्ञान कराएंगे, देखो सहयोग की आवश्यकता है सभी, बिल्कुल सहयोग रहेगा सर, हमने हमेशा सहयोग किया और आगे भी सहयोग करेंगे, वही है इसीलिए ना। तो हेल्प डेस्क में चाहते समझा की मदद हो रही है, दिन रात उसमें काम हो रहा है, 7-7 बजे हमारे लोग घर जा रहे हैं हेल्प डेस्क से, इन लोगों की आंखों में आप करिए मदद, आप छात्र संघ तो मदद के लिए है ना, छात्रों की हर तरह की मदद के लिए है, उसको मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि भाई वो करे ना, बस अब उनका वो ऑब्जेक्शन यही है कि छात्र संघ तो सभी का हुआ, बिल्कुल छात्र संघ सभी का है गुरुजी, तो ये लोग चुनाव के समय में एनएसयूआई अलग, एबीवीपी अलग, जब अभी थोड़े दिनों बाद कोई पार्टी शपथ समारोह होगा, शपथ समारोह होगा, सुनिए तो सही, उस समय सब लोग न्यूट्रल होते हैं क्योंकि उस समय कोई अध्यक्ष नहीं होता, आप मेरी ये बात मानेंगे, वो केवल ये होता है कि जब तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक वो एक वो है, लेकिन ये माना जाता है कि जब इलेक्शन हो रहे हैं तो भाई उसकी चीजें सील हो। एक बात बताइए, चुनाव के समय में धारा 144 लगाई जाती है, एक तय समय पर लगाई जाती है ना, लेकिन हेल्प डेस्क उससे पहले से लगने शुरू हो जाते हैं, तो वो क्यों लगते हैं, उन्हीं दिनों में लगनी चाहिए, उससे पहले क्यों लगाते हैं, 2-3 महीने पहले से क्यों लगाते हैं लोग, वो असल में उस समय नए एडमिशन होते हैं ना, आशीष आप भी समझोगे, समझिए बात ही ऐसे गलत, तो आप भी समझिए ना, उसने मैं समझ रहा हूं, उससे पहले क्यों लगाते हैं, एडमिशन होते हैं मतलब कि बच्चों को जानकारी नहीं होती है, हम भी हेल्प डेस्क में लगाते हैं तो बच्चों को जानकारी नहीं होती, परेशानियां होती है, उस परेशानी को सॉल्व करने के लिए लगा रहे हैं, हमने अपना कोई प्रचार प्रसार करने के लिए तो लगाया नहीं है सर उसको, हम बच्चों की इसमें मदद ही कर रहे हैं, उनको बहुत सी चीजें पता है मदद करने के लिए, और एक मिनट हम देंगे, ये लोग गुरुजी हमारे लोगों के साथ गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं, लगातार वहां से चलते हैं, एक पत्र आप भी जारी करेंगे, नहीं अगर मेरे संज्ञान में कोई ऐसा मामला मैंने आपसे बात करने के लिए पत्र देंगे, हम एक पत्र जारी करेंगे, और उसके बाद अगर वैसा होता है हम आपको दोबारा एक पत्र जारी करेंगे, और उसके बाद आप लेटर निकालेंगे कि इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, मेरे संज्ञान में कोई मामला आएगा तो होगा वो, हम आपको देंगे, मैं आपको नहीं, ऐसा नहीं है मैं कि आपको, ये लोग हमारे हेल्प डेस्क के छोटे छोटे बच्चे वहां पर बैठे रहते हैं, एनएसयूआई के कार्यकर्ता गाली देते हैं वहां से जाते हैं, इनका एक हेल्प डेस्क हमारा यूनिवर्सिटी ने भी तो आप ही लोगों ने जो जनरेट कराया था उसका क्या हुआ, वो भी चल रहा है, वो यहाँ से काम वहाँ अगर विद्यार्थी जाता है गुरुजी उसको 2-3 दिन लग जाते हैं, वही काम वो यहाँ देता है, ये लोग उस काम को शाम को बैठ के ठीक करवाते हैं, क्या ये काम की प्रोसेस जल्दी करने का काम नहीं है, अच्छी चीज ये लोग कभी नहीं देखते, इनको ये बात इसलिए चिड़ मच रही है कि विद्यार्थियों के ये लोग विकास के विरोधी लोग है, ये कभी नहीं चाहते कि कैंपस का विकास हो गुरुजी, ये तो इतने सालों में क्यों नहीं हुआ, हमने संज्ञान करवाया गुरुजी, तो मुख्यमंत्री महोदय ने संज्ञान किया, मैं प्रणाम, और सिर्फ ये काम का ही नहीं है सर, बहुत से लोग आते हैं जिनको बहुत सी जानकारी नहीं है, वो पूछते हैं उनको हम बताते हैं, बहुत सारी संख्या तो काम ही होता है ना कि कैसे हमारा प्रशासन वो को बढ़ा, छात्रों को कैसे सुविधाएं मिले, है ना, वो काम है, मैं उसकी पूर्ण नहीं कर रहा हूँ, तो इन लोगों ने गुरुजी ना मेरा कहने की बात है, तो इन लोगों ने उस दिन कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया, जिस दिन हमें छात्र समुदाय ने वोट किया उसी भी यहाँ पे तो वोट किया, जब हमने 12 चीजें बांटी उसमें हमारा 7वें 8वें नंबर का पॉइंट है कि हम लोग हेल्प डेस्क की शुरुआत करेंगे, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की तर्ज पर हम शुरुआत करेंगे, तब इन लोगों ने कोई कदम नहीं उठाया, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल हम इसको चेंज करेंगे, हम और बड़ा फैक्स लगाएंगे, उसमें बड़ा बड़ा लिखेंगे राहुल सिंह धामी, इतना बड़ा लिखेंगे कि हम तो पुतवा भी सकते हैं कैंपस अभी, अगर छात्र संघ के नियम कानून पढ़े हैं तो सबसे ज्यादा पावर जो दी गई है छात्र संघ अध्यक्ष को दी गई है, वो चाहे तो किसी को उसके पद से भी हटवा सकता है, पता आपको हमारी यूनिवर्सिटी के पास ही है नहीं, आपको पता होना चाहिए गुरुजी, अगर मतलब किसी को उससे सबसे ज्यादा पावर जो दी गई है हमारे कैंपस में छात्र संघ के संविधान में छात्र संघ अध्यक्ष को दी गई है, इतनी पावर किसी भी नीचे के अधिकारी संघ ऐसा थोड़ी है कि मतलब जैसे तुमने कहा पुतवा देंगे तो सार्वजनिक संपत्ति को नहीं कर सकते, नहीं एक बात कही मैंने कि हम एक पोस्टर और बड़ा पोस्टर लगाएंगे, हम उसमें लिखा होगा अध्यक्ष राहुल सिंह धामी, उसके नीचे और टाइगर ग्रुप और आपकी सहायता के लिए लिखा गया, और हम उसको लगेंगे विवेकानंद जी के वहां पे ताकि धूप भी आए, आप देखिए ठंड का मौसम चल रहा है गुरुजी, सुबह ऐसी धूप तक नहीं पड़ती वहां पे, अब हम आपको भी कह के जा रहे हैं आप पत्र जारी कीजिए, हम उसका स्पष्टीकरण देंगे, हम उसका स्पष्टीकरण देंगे, जब भी आप हमें पत्र देते हैं उसके आप तय हमें समय सीमा करेंगे, हम उसमें स्पष्टीकरण देंगे, उसके बाद हम अपने हेल्प डेस्क लगाएंगे विवेकानंद जी की मूर्ति के आगे, और बड़ा फ्लेक्स लगाएंगे हम वहाँ पर, पूरा अध्यक्ष राहुल सिंह धामी टाइगर ग्रुप, हम आपकी सेवा के लिए निरंतर यहाँ पर बैठे हैं, हम और बड़ा पत्र वहाँ पर और बड़ा पोस्टर वहाँ पे लगाएंगे, इनसे कहिए पत्र जारी के फोन पे काम नहीं होते गुरुजी, कि कोई एनएसयूआई का नेता के कहतेगा कि फोन पर, कल मैंने देखा गुरुजी दोनों राष्ट्रीय संगठन बड़े बड़े कुलपति महोदय के पास गए थे, वीडियो बनाने का विरोध, मेरे एडमिशन का विरोध, हेल्प डेस्क का विरोध, क्यों, क्योंकि विकास के विरोधी लोग, कभी आज तक तो नहीं गए ये लोग कुलपति के पास एक साथ, पहली बार लोग जा रहे हैं, इनकी आंखों में चिड़ रहा राहुल सिंह धामी, इनकी इनने क्या कह दिया उसका वाला मामला खोल दिया, डीएसडब्ल्यू ने रिजेक्ट कर दिया, आपको याद होगा कुछ दिन पहले इसके कुछ की पता नहीं किस लड़की के साथ इसका नाम जोड़ रहे थे, हम कोर्ट गए संज्ञान में मामला है, वो पत्र आपके पास भी आता, इन लोगों ने इसका नाम खराब करने की कोशिश की, डीएसडब्ल्यू ने पूरा लेटर निरस्त कर दिया,
हमने तो नहीं कहा कुछ जी कभी भी, हम कभी भी ऐसी चीजें सपोर्ट करते नहीं है ऐसी चीजों का। जो बीएसडब्ल्यू सर से संबंधित है, डायरेक्टर सर से, ये लोग कितने मतलब छवि खराब करने की कोशिश करते हैं लोगों ने इसके लिए ऐसी ऐसी बातें। मैंने तो इसीलिए कहा कि भाई जब दूसरी जगह से आपत्ति थोड़ा आ रही है फोन पे, मैंने भी तो आपको फोन पर आपत्ति नहीं होती, सुनो तो सही, उन्होंने मेरे से फोन पे आपत्ति दर्ज करी, मैंने भी तो आपको बुलाया, नहीं तो मैं भी तो लिख के देता ना, इसीलिए तो नहीं दिया। मुझे प्रदेश के शिक्षा मंत्री से आपत्ति है मान लेते हैं, मैं उनको फोन पे थोड़ी कह दूंगा कि मुझे आपत्ति है और आप करिए, मैं उसका पूरा एक मतलब प्रोसेस से जाएगी, उसमें उनको लेटर लिखूंगा, लेटर के बाद उसमें कार्रवाई होगी, पहले संज्ञान होगा उसके बाद